हेलो दोस्तों, मैं बीके से स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में। लेकर आ गए हूँ KMP एक्सप्रेस, वही KMP जहाँ पे बस आए जाने हैं 5 नया सिटी HSIIDC के हिसाब से। और कल मैंने बोला था वोट करने के लिए कि कहाँ की वीडियो दूँ, तो उसमें 36% लोगों ने बोला है सोना IMT का। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं IMT और आपको दिखाता हूँ अपडेट। ओह माय गॉड, कृपया सेफ ड्राइव करें, डोंट ड्रिंक ड्राइव। तो आइए बने रहें वीडियो के साथ, चलते हैं। तो फाइनली आ गई, ये है NH 248A गुड़गांव सोना रोड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में जो सोना IMT में किस तरीके का कार्य चल रहा है, ये आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहें। क्या डिटेल है पूरा सारे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये रहा सोना IMT के एरिया लेफ्ट हैंड में जो दिख रहा है। सोना IMT KMP एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, DND2 KMP एक्सप्रेसवे के साथ में, और सोना पलवल रोड सैलानी रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक प्रोजेक्ट है हिलालपुर, वहाँ पे मिल जाता है 7,000 से लेकर 9,000 रुपये प्रति गज प्लॉट, आसान किस्तों में। 30% देने के बाद 24 महीने की EMI करा सकते हैं, घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। तो फिलहाल अभी सोना IMT। हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम HSIIDC ने उद्योग मॉडल टाउनशिप यानी IMT सोहना को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उद्योग केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसमें से 1500 एकड़ कुल क्षेत्रफल में से 500 एकड़ उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए विकसित किया जाएगा। देखेंगे आप सामने जो बोर्ड दर्शाया गया है, HSIIDC के ऑफिशियल बोर्ड लगाया गया है यहाँ पे, EMC इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। और केंद्र सरकार IMT सोना में 500 एकड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC की स्थापना के लिए 331
1.04 करोड़ रुपए अनुदान को मंजूरी दे दी है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम HSIIDC को हरियाणा उन दो राज्यों में से एक है जिन्हें EMC परियोजनाओं के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। परियोजना की कुल लागत 662.08 करोड़ रुपए होगी। और ये रहा सोहना IMT में ना ATL का भी कार्य चल रहा है। ATL जापान की कंपनी है और ATL लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टोटल 180 एकड़ में लगा रही है। और देखेंगे पूरा ATL जो 180 एकड़ पूरा भाग है जिसमें 25% एरिया पे पूरा बिल्डिंग बनाने का कार्य हो रहा जोरों शोरों से। बाकी के एरिया पे अर्थ लेवल का कार्य हो रहा, फ्लोरिंग के काम, बेसमेंट का काम चल रहा। पूरा वीडियो देखिएगा और देख पाएंगे। ये रहा IMT सोहना की एंट्री और एंट्री से मैं एंटर हो गया। और ये रहा पूरा जोरों शोरों से कार्य चलते हुए इस तरफ 25% एरिया पे। और सोहना IMT में HSIIDC अपना ऑफिस साइट ये देखेंगे। HSIIDC की ऑफिस साइट ऑफिस चलेंगे आगे की तरफ। ये रहा पूरा, बने रहे वीडियो के साथ, काफ़ी डिटेल है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखेंगे पूरा ये बिल्डिंग बनाने के, जैसे मैंने बताया 25% एरिया पे कार्य हो रखा और बाकी में अर्थ लेवल का, फ्लोरिंग का, बेसमेंट का काम चल रहा इधर के एरिया में। और ये रहा पूरा IMT का व्यू और साथ में अरावली हिल्स के बीच में देखेंगे। मैं जूम करूंगा इसको और आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या नज़ारा होता है। KMP तो पड़ता ही जैसे मैंने आया। और साथ में इसको जूम कर लेते, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना एलिवेटेड पार्ट, ये एलिवेटेड पार्ट WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से क्रॉस कर रहा है। और इस एरिया का महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, NH-248A से तो जुड़ा ही है, KMP से जुड़ा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात किया जाए तो एक्सप्रेसवे 9 किलोमीटर दूरी पे यहाँ से मिल जाता है। और बात किया जाए गुड़गांव के राजीव चौक 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मिल जाता है। और IGI एयरपोर्ट की बात किया जाए तो वो 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के अंडर में आ जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।